अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। लड़कियों की मजबूरियों का फायदा उठाने की खबरें सामने आती रहती है। इसी तरह ऐसा ही मामला देखने को मिला दक्षिणी पूर्व लंदन में, जहां एक मकान मालिका है जो लड़कियों को मुफ्त में अपना कमरा या फ्लैट ऑफर करते तो है, लेकिन उन लड़कियों ने मालिक से साथ यौन संबंध बनाना होता है। दरअसल दक्षिणी पूर्व लंदन में कई ऐसे मकान मालिक हैं जो लड़कियों को मुफ्त में अपना कमरा या फ्लैट ऑफर करते हैं, लेकिन इसके बदले वे लड़कियों से सेक्सुअल एक्टिविटी की डिमांड करते हैं। आपको बता दें कि ये सिर्फ दक्षिणी पूर्व लंदन तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य शहरों में भी मजबूरों लड़कियों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कई महिलाओं के पास जब सिर ढकने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचता, किराए को देने के लिए पैसे नहीं होते, तो वे इस रास्ता को चुन लेती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमेशा ये महज चवाइस का मामला नहीं होता, बल्कि महिलाएं मानसिक और शारीरिक शोषण के जाल में भी फंस जाती हैं। मकान मालिक सीधे तौर पर सेक्स फॉर रेंट का विज्ञापन नहीं देते, बल्कि वे अप्रत्यक्ष रूप से रेंट देने की बात करते हैं और सेक्सी गर्ल्स की तलाश करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेग्सलिस्ट नाम की वेबसाइट पर हर रोज करीब 100 ऐसी लिस्टिंग मकान मालिक डालते हैं। मीडिया से बातचीत में कुछ मकान मालिक ने ऐसे संबंधों को फ्रेंड विद बेनिफिट बताया था। एक मकान मालिक ने कहा कि कोई भी जबरन ऐसा नहीं करता, लोग अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 40 सेकंड 50 साल तक के मकान मालिक ऐसे डील करने में शामिल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।